क्या आप लोग प्लेन में बैठे हो कभी? मैं तो नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं संडे को पढ़ाई कर रही थी और सामने से ये इतना नीचे से प्लेन निकल रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और बाय बोलने की तो हम लोग की बचपन की आदत है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं बहुत टाइम से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही 2-3 मिनट का जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो बना के डालती हूँ। और शाम को इतना ज़्यादा प्यारा सा सनसेट हो रहा था ना, कहीं सी बीच पर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर सनसेट देख लो। और संडे था, मेरा ग्रॉसरी का सारा सामान खत्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर आती हूँ। और ये जो डेकोरेशन देखी ना आपने, तो वो हो रही है गणपति बप्पा के आने की तैयारी। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ सब्जी लेने, लगी नहीं रहा था सब्जी ले जा रही क्योंकि रोड इतनी ज्यादा डेकोरेटेड थी सारी पूरी, मतलब मार्केट में ऐसे ही हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने लिए प्याज और आलू, क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सब्जी में यही होते हैं, भले आपके पास कुछ हो ना हो ये सब्जी हमेशा बन जाती है। और लिए टमाटर जो कि अब काफी ज्यादा सस्ते हो गए, पहले तो 250 रुपए किलो तक बिके हैं। फिर उसके बाद मैंने लिए नींबू, क्योंकि मुझे ना सैलेड खाना पसंद है जैसा आप लोग जानते हो। और फिर ये देखो खीरा ना, इतना छोटा सा खीरा 15-20 रुपए का मिल रहा था। और फिर और भी काफी सारी सब्जी लेकर मैं पहुंच गई चाट की दुकान पे, क्योंकि मेरा चाट खाने का बहुत टाइम से मन था। और यहाँ की ये फेमस चाट है, गुमटी में मिलती है। और ये भीड़ देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा मतलब इनके यहाँ पे भीड़ होती है। तो फाइनली हमारी चाट मिल गई है, और मिलते ही मैं बस शुरू हो गई, क्योंकि मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था। अब बस बहुत जोर की भूख भी लग रही थी, शाम होते होते भूख लगी आती है, भले आपने सारा दिन कुछ भी खाया हो लेकिन शाम को 5-6 बजे के करीब करीब कुछ चाहिए ही होता है खाने। फिर मैं सारा सामान लेकर वापस आ रही थी, तो ये देखो यहाँ पे मिल गए हमको ये अंकल, जो कि ये बेसन की नमकीन देते हैं और जो ग्रीन मिर्ची होती है उसको फ्राई करके देते हैं। आप लोगों ने भी खाया होगा जरूर से, और अगर नहीं खाया है तो कभी ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और फिर मैं पहुंच गई अपने ये पास वाले ग्रोसरी शॉप पे, सब्जी तो ले ली थी मैंने, लेकिन बाकी ये चिप्स कुरकुरे बिस्किट्स ये सारी चीजें यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाती है, तो बस सारा सामान मैं यही से ले लेती हूँ जिससे कि मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। तो सबसे पहले मैंने लिए बिस्किट्स, और उसके बाद मुझे लेना था पोहा, क्योंकि मेरा पोहा खत्म हो गया था, काफी सारा सामान खत्म हो गया था, तो पूरा बिल जो है वो 1000 अबव का बना था। तो फिर उसके बाद हमें मिली थी सब्जी 1 किलो फ्री, तो बस मैं वही लेने के लिए गई थी। फिर मेरा मीठा खाने का मन था, बालूशाही आजकल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं पहुंच गई थी 56 भोग, लेकिन बालूशाही तो नहीं मिली, तो मैंने लिए रसगुल्ले रसमलाई। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और रास्ते में ये देखो हर जगह पे शॉप लगी हुई है गणपति जी की। वैसे ही मैंने चेंज किया और अपना खाना खाया विद सैलेड, और खाना खाने के बाद मैंने खाई रसमलाई। ये दिखे मुझे गणपति जी किसी के घर जाते हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।